इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम एक पिक्चर अगर हम कॉपी करना चाहते हैं, यानी फॉर एग्जांपल हम गूगल से लेते हैं और गूगल से हम किस तरह लेंगे और फिर उसको हम एमएस वर्ड में कॉपी किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम ये गूगल खोल लेंगे। ये मैंने पहले से ये वो किए, चलो मैं आपको इसके बाद बता दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये गूगल है। अब मैं मुझे चाहिए पाइन ट्री, तो ये मेरे पास आ गए। अब मैं इसको सर्च करूँगी। आप इमेजेस पे जाओगे, इसमें अब इसमें एक एक पिक्चर्स भी है, क्लिप और इसमें कुछ इस तरह पिक्चर्स हैं कि वो एक पिक्चर में तीन पिक्चर्स। अब ये ले लें, इसकी मैं आपको क्रॉपिंग बताऊँ। ये आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज करना है, फिर इसको इधर से मिनिमाइज़ करना है और ये आपने एमएस वर्ड करना है। अब एमएस वर्ड में आपने क्लिक करके पेस्ट करना है। ये हमारे पास ये तीन पिक्चर्स आ गए। तो अब देखिए, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि आपको ये तीनों पिक्चर अलहदा, यानी सॉरी ये तीनों जो ये फ्रीज है तो ये आपको सेपरेट सेपरेट मिले, यानी आप चाहते कि ये तीनों अलहदा हो जाए, यानी एक पिक्चर में आपको नहीं चाहिए। तो चलिए आप इस तरह करें, आप इसको दोबारा कॉपी करें और इंटर करें ताकि ये नीचे हो जाए और इधर पे सॉरी ये आप इधर पेस्ट कर लें। फिर आप एक दफ़ा और भी इस तरह कर लें। अच्छा, अब ये हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि ये एक ट्री अलहदा हो जाए, ये अलहदा हो जाए और ये अलहदा हो जाए। तो आपने इसके ऊपर इस तरह क्लिक करना है, फॉर्मेट पे जाना है और ये देखिए क्रॉप ऑप्शन, क्रॉप ऑप्शन आ गए आपके पास। तो ये आप इस तरह कर लें, ठीक है, ये आपका ले। फिर दोबारा इसी तरह सेम ये फॉर्मेट पे जाएं, ये करें और ये आपने फर्स्ट वाला तो ये किया था ना, अब ये वाला आप कर लें, इसे इधर कर लें और ये इधर, तो ये आपके पास सेकेंड वन सेम इसी तरह क्रॉप और ये आप ये देखिए। अब आप ये मैंने थोड़ा वो किया ना, ये दोबारा से मैं करूँगी, ये देखिए इधर। अब मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा और भी नीचे हो जाए ना, मतलब ये पिक्चर ज़रा वो हो जाए, इधर से भी मैंने, यानी आप ऊपर नीचे हर जगह से आप कर सकते हैं। देखो ये हो गया। फिर इसके साथ आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, शिफ्ट और ये, यानी अगर फॉर एग्जांपल आप इधर कुछ लिखना चाहते इधर भी कर सकते, इधर भी कर सकते, ठीक है ना। ये क्रॉपिंग का तरीका है।